वेलकम टू माय चैनल। और आज हम समरी ऑफ इंटीग्रेशन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है साइन एक्स का, साइन एक्स हो कोस एक्स हो, ठीक है, मतलब कि सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। इसके बाद था हमारे पास, या फिर इनका स्क्वेयर हो, साइन स्क्वेयर एक्स हो कोस स्क्वेयर एक्स हो, ठीक है, जैसे इस तरीके से टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, ठीक है, कोट स्क्वेयर एक्स, इस तरीके से, मतलब कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स और सीकेंट स्क्वेयर एक्स, जब स्क्वेयर हो, ठीक है। स्क्वेयर के लिए क्या था हमारे पास, रूल नंबर 8, ठीक है। अब जैसे सीकेंट स्क्वेयर एक्स का और कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स का, तो टेंजेंट और कोट की टर्म में होगा इंटीग्रेशन, और इन चारों के लिए सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर इनका इंटीग्रेट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स का भी पता था हमें कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है टेंजेंट एक्स का, ठीक है, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा टेंजेंट एक्स का, जैसे साइन एक्स का पता है, कोस एक्स का है हमारे पास फॉर्मूला, लेकिन टेंजेंट एक्स का क्या होगा, डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं यहां पर अभी तक। तो सबसे पहले जैसे टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हम, साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो अब पुट करेंगे किसको, कौन किसका डिफरेंशिएशन है। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस, मतलब कि अल्टरनेट है, ठीक है, एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है। तो पुट करेंगे किसको, नीचे वाले को, किसको इक्वल टी के। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स और टी का डी टी डिवाइड वाला यहां पर, इस तरीके से। तो हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड आउट करना है, साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर, माइनस डी टी के, माइनस डी टी के, और डिवाइड में क्या हमारे पास टी, इस तरीके से, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डिवाइड में लीनियर की एक पावर हो तो लॉग ऑफ टी, टी को पुट करेंगे, लॉग कोस एक्स प्लस सी, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए की पावर बी, क्या लिख सकते हैं हम इसको, बी इंटू लॉग ए, ठीक है, बी इंटू लॉग ए, मतलब पावर आगे आ जाती है लॉगरिथमिक फंक्शन में, ठीक है। अब जैसे पावर आगे जाती है तो वापस भी तो जा सकती है, ठीक है। तो जैसे क्या हमारे पास लॉग ऑफ कोस एक्स, अब जैसे यहां पर पावर माइनस वन है, अब जैसे यहां पर भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है, मतलब माइनस वन को पावर आगे आ जाएगी तो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, लॉग ऑफ कोस एक्स की पावर माइनस वन, तो मतलब कि वन बाई कोस एक्स, ठीक है, और वन बाई कोस एक्स मतलब कि कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हमारे पास टेंजेंट एक्स के डायरेक्ट दो फॉर्मूले, ठीक है, या तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स और या फिर लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास रूल नंबर है 19, ठीक है, रूल नंबर 19 कि टेंजेंट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स या फिर माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स, ठीक है, कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, या फिर किसके इक्वल होगा, माइनस लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हमें इसका भी प्रूफ चेक कर सकते हैं, इस प्रकार से कि पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला ऑफ सीकेंट एक्स, ठीक है, सीकेंट एक्स, तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सीकेंट एक्स
प्लस टेंजेंट एक्स इस तरीके से, ठीक है, या फिर लॉग ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स, ठीक है, तो इसका होगा लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स का रिलेशन किसके साथ होता है, कोटेक्स के, मतलब कि यहां पर माइनस कोटेक्स, याद रखने के लिए, ठीक है। यहां पर सीकेंट एक्स का टेंजेंट के साथ होता है तो बीच में प्लस का साइन, और या फिर लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस सी। इस तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स, कोटेक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स के डायरेक्ट फॉर्मूले यहां पर, ठीक है। अब इनको अप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 20, ठीक है। रूल नंबर 20 क्या हमारे पास है कि इफ इन डिनोमिनेटर, मतलब कि जब भी नीचे फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, या फिर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में जब भी इस टाइप का फॉर्मूला बनता हो, जैसे मान लीजिए हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में हमारे पास 1 प्लस साइन 2 एक्स, इस तरीके से, ठीक है। जब भी हमारे पास नीचे इस टाइप का फॉर्मूला बनता हो तो यूज करेंगे हम, ठीक है, वी विल यूज क्या, जैसे वन है, वन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वेयर प्लस को स्क्वेयर, जैसे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस को स्क्वेयर थीटा किसके होता है, वन के। अब थीटा गया यहां पर एक्स, इस तरीके से, या फिर कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस कोट स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, वन के, ठीक है, और सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास है ऊपर है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में हमारे पास वन, वन को क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस को स्क्वेयर एक्स प्लस साइन टू एक्स। साइन टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, मतलब कि एंगल का हाफ, यहां पर एंगल था 2x और यहां पर एंगल है x, इस तरीके से, तो क्या होगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में क्या है, अब जैसे किसका फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर, इस तरीके से। अब पुट करेंगे किसको, कौन किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या पुट करेंगे, टी के इक्वल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और टी का डी टी डिवाइड वाला यहां पर डी एक्स, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड आउट करना है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर है, और डिवाइड में हमारे पास इसको टी पुट किया था, साथ में क्या है इसका स्क्वेयर। अब डिवाइड में लीनियर है, लेकिन लीनियर की पावर एक से अलग है, ठीक है, तो कैसे होगा, सबसे पहले पावर को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, और फिर इसका पावर रूल से इंटीग्रेट, मतलब कि पावर में एक जोड़ दो और डिवाइड बाई टोटल पावर, इस तरीके से, जैसे यहां पर वन होगा और प्लस सी। तो अब जैसे t की पावर -2 प्लस 1 -1, t की पावर -1 और यहां पर -1, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 बाई ऊपर है पावर माइनस तो नीचे प्लस की, और फिर वापस t को पुट करेंगे, t क्या था साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमारे पास डिवाइड में क्या हो, डिनोमिनेटर में इस टाइप का फॉर्मूला बनता हो तो, ठीक है, सबसे पहले वो फॉर्मूला बनाएंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे यहां पर था हमारे पास साइन टू एक्स था, जब तो हमने साइन स्क्वेयर एक्स को पुट किया, मान लीजिए यहां पर सिर्फ हमारे पास टू ना हो तो, बेसिकली तो वन
अब वन है, वन को क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू, और क्या होगा साइन टू एक्स है, और सिर्फ साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, एंगल का हाफ, इस तरीके से तब हम ये पुट करेंगे, ठीक है, अगर एंगल एक्स हो टू एक्स हो इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।